और ये 800 ग्राम के ऊपर के दोनों 800 ग्राम का ऊपर का एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है। ये शेल है, ये शेल में से दूसरा क्रैब बाहर आता है। मतलब ये जो नीचे वाला क्रैब है, हाँ, इसने अपना खुद का शरीर छोड़ दिया और बाहर निकला। हाँ। उंगली घुस रही है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये अभी नरम, इसको सॉफ्ट शेल बोलते हैं। इसको सॉफ्ट शेल बोलते हैं। अलग से बिकता है, अलग से इसके रेट भी अलग होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रैब इसमें है अभी, ये देखिए कितना बड़ा अभी हो चुका है। इसको बांध के रखा है अभी, क्योंकि ये मार्केट में बेचने लायक हो गया। आज हम आपको बहुत ही गजब और अतरंगी चीज दिखाने वाले हैं। ये रही आपके सामने, ये है क्रैब यानी कि केकड़ा। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसकी फार्मिंग कैसे होती है इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं एक पॉन्ड है, इसमें छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे होंगे। इस बॉक्स में भाई इस क्रैब फार्मिंग होता है, और ये खाड़ी में खारे पानी का यहाँ पे क्रैब फार्मिंग किया जाता है। हम हैं मुंबई के पास में अलीबाग में, और अलीबाग में यहाँ पे SK एक्वाकल्चर यहाँ पे ये फार्म है, यहाँ पे हम हैं। और लाइव यहाँ पे जो है खाड़ी का पानी, खारा पानी उठा के अंदर डाला जा रहा है। तो भाई आज का वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप सीखने वाले हैं कि क्रैब फार्मिंग कैसे होता है, इसकी डिटेल में जानकारी। तो भाई जो भी नए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी जो अतरंगी वीडियोस आती है उसके नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे वैभव धूमा जी है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो हमें ये जो है पूरा अपने फार्म के बारे में और क्रैब फार्मिंग के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले, तो थोड़ा भी समय नहीं गवाएंगे। तुरंत देखिए आप लोगों के लिए हमने बड़े बड़े क्रैब जो यहाँ से पॉन्ड से जो है पकड़ लिए हैं। तो वैभव जी हमें ये बताइए कि ये कौन सा क्रैब है और इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये दोनों ग्रीन क्रैब है और ये पॉन्ड में ही बड़े किए हुए हैं। ये हमने जुलाई में छोटे छोटे छोड़े थे, क्योंकि इसके अवेलेबिलिटी कम है। छोटे छोटे बच्चे छोड़े थे आप? हाँ, 50 ग्राम के। मतलब अगर रेट 1000 मिलता है तो उसमें 2 या 3 ही ग्रीन पीस मिलते हैं, इतना शॉर्टेज है वाइल्ड में। क्रैब फार्मिंग में 2 प्रकार मिलते हैं अपने यहाँ पे, ग्रीन और रेड। रेड ये ग्रीन है, इसका शॉर्टेज होता है, और आपके पास बाकी के रेड है। हाँ ठीक है। और मुझे इसके बारे में बताइए, इसका कैसा रहता है ये, मतलब क्रैब ऊपर से शेल वगैरह इसकी जानकारी बताइए। तो इसको बोलते हैं स्विमिंग लेग। अच्छा। तो ये क्या करता है, रनिंग फिश जो रहते हैं उनका रनिंग में शिकार करने के लिए स्विमिंग करके ये यूज करते हैं। अगर किसी ने काटा है तो इसको इधर से थोड़ा खींचने का ये छोड़ देता है। अच्छा। ये नॉर्मल लेग है इसका। हाँ। ये क्लॉ है। हाँ। अगर गलती से ये क्लॉ खुद छोड़ता है, ये भी खुद छोड़ता है। एक क्लॉ टूट गया तो इसका वैल्यू डाउन होता है। और ये 800 ग्राम के ऊपर के दोनों 800 ग्राम का ऊपर का एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है। तो अब ये प्रति किलो कैसे जाते हैं? जब कम रेट रहता है तो 1200 मिनिमम और मैक्सिमम 1800 होलसेल का। जो फार्मर को मिलता है अभी का रेट 1600 है। क्रैब फार्मिंग कहाँ कर सकते हैं और कौन से पानी में कर सकते हैं? क्रैब फार्मिंग ये आपने देखा, इधर मेजर क्राइटेरिया इसको खाड़ी चाहिए, खारा पानी चाहिए। खारा पानी बोला तो सलाइन चाहिए, तो इसको सैलिनिटी एवरेज 20 to 30 तक सलाइन वाटर सैलिनिटी चाहिए। मतलब इंडिया में जो है कोस्टल एरिया में सारे लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया खारा पानी, लेकिन अगर दोस्तों आप अगर मीठे पानी में करना चाहते हैं, तो मीठे में आप उसको नमक वाला पानी करके करने जाएंगे तो बहुत रिस्क होगा, क्रैब उतना ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मीठे पानी वाली क्रैब अलग होते हैं, खारे पानी वाले अलग होते हैं। मीठे वाले मीठे ग्रो कीजिए, खारा वाले में खारा ग्रो कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने देखा कि बॉक्स में क्रैब फार्मिंग क्यों हो रहा है यहाँ पे, वो हम जानना चाहेंगे कि बॉक्स की वजह क्या है। इंडिया में बहुत सारा क्रैब फार्मिंग हुआ है, वो डायरेक्ट पॉन्ड में क्रैब छोड़े जाते हैं। तो पॉन्ड में क्या होता है, मॉर्टेलिटी होता है, वो केकड़े एक दूसरे को ही मार देते हैं। बराबर। वो समझने के लिए आपको क्रैब का ग्रोथ कैसे होता है वो समझ के लेना चाहिए। तो ये देखो, ये अभी जस्ट वो क्रैब क्या है, ये रेड क्रैब है। हाँ, अभी एक बॉक्स में ये 2 क्रैब आ गए। तो एक्चुअली ये पहले यही था। तो ये क्रैब का ग्रोथ होता है मोल्टिंग होके होता है। मोल्टिंग बोला तो वो ये शेल है, ये शेल में से दूसरा क्रैब बाहर आता है। मतलब ये जो नीचे वाला क्रैब है, हाँ, इसने अपना खुद का शरीर छोड़ दिया और बाहर निकला है। हाँ, मतलब पूरे कहीं पे भी क्रैब हो तो क्रैब के ऐसे ही होता है, बॉडी को छोड़ देता है। हाँ, और ये अभी निकला है, ये निकला है। तो ये पूरा नरम है, नरम है, ये सॉफ्ट है। अच्छा, दिखाइए तो हमें। ये देखिए दोस्तों कितना नरम है, ये काटने भी काट नहीं सकता। ये देखिए उंगली घुस रही है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये अभी नरम है, इसको सॉफ्ट शेल बोलते हैं। इसको सॉफ्ट शेल बोलते हैं। अलग से बिकता है, अलग से इसके रेट भी अलग होते हैं। फ्रोजन कंडीशन में भी जाता है, फ्रोजन में भी जाता है ये। और आपने जो बड़ा दिखाया था वो अलग बिकता है। हाँ, वो अलग बिकता है। पहले इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया। मतलब ये शेल से जब निकलता है तो और बढ़ता है, और बढ़ता है। अभी ये फिर से निकलेगा बाद में। हाँ, ये पूरा कड़क होने के बाद निकलेगा। मतलब इसकी साइकिल ये चालू रहती है। तो ये वाइल्ड में क्या होता है, अगर बड़ा क्रैब है तो वो भी ऐसा ही बाहर आएगा, लेकिन ये इतना नरम है। तो उधर छोटा क्रैब रहता है ना, वो इसको मारता है। हाँ, इसके ऊपर डंक कर देगा ऐसे तो इसको इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, वो फूट गया तो इन्फेक्शन होके मरता है। इसीलिए वाइल्ड में इजीली बड़े क्रैब मिलते नहीं। तो ये अवॉइड करने के लिए बॉक्स कल्चर आया। ये बॉक्स है, ये बॉक्स ना 1 फुट का बॉक्स है, 1 फीट का बॉक्स है, ये 2.5 फुट का बॉक्स है, 2.5 फुट का बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स, अलग अलग साइज के, अलग अलग बिजनेस के ऊपर। तो ये समझ में आया तो पूरा आगे का समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे सांप होता है, सांप अपने ऊपर का शरीर छोड़ मतलब कातन जो ऊपर का होता है बॉडी वो छोड़ देता है, अंदर से दूसरा सांप बाहर निकलता है। वैसे ही क्रैब का ऐसे सिस्टम है, जब वो बड़ा होने लगता है तो वो ऊपर का शेल छोड़ता है और अंदर से बाहर निकलता है। हाँ। अगर ये चीज वो तालाब में करेगा और दूसरा क्रैब आके उसके ऊपर डंक मार देता है, इन्फेक्शन हो जाएगा और मर जाएगा। हाँ, इसीलिए डेवलप किया है बॉक्स कल्चर, इसको बोलते हैं। हाँ। अच्छा, ये तो ठीक है आपने। तो इसमें अभी मछली पालन भी हो रहा है, क्रैब फार्मिंग भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। ये ऊपर तैर रहा है बॉक्स आपके जो पाइप के जरिए, हर एक बॉक्स में एक, मतलब वहां पे आपने क्या किया है कि वो हमारा पीवीसी पाइप जो होता है वो 3 पाइप लिया है। हाँ, ठीक है, 3 पाइप लिया, एक बीच से, एक साइड से और इधर एक साइड से। हाँ, और दोनों के ऊपर ये बॉक्स रखा है। हाँ, और मुझे ये बताइए ऊपर ये तैर रहा है। तो अभी आपने ये छोटा छोटा फव्वारा लगाया रेन पाइप का, ये क्यों लगाया इसके ऊपर? वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। अच्छा, और वो ग्रोथ फास्ट होने के लिए, मोल्डिंग होने के लिए, मतलब ये तो उनको लगता है क्या बारिश गिर रहा है उनके ऊपर और इससे ग्रो करते हैं। हाँ, तो ये जब आपने केकड़ा, मान लीजिए मैं कहीं समुद्र तट पे रहता हूँ और मुझे केकड़ा फार्मिंग करना है, तो मुझे इसमें ग्रो करने के लिए केकड़ा कहाँ से लाऊंगा मैं? क्रैब वाइल्ड कलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। जो वाइल्ड में मिलता है वही हम लेके आते हैं। वाइल्ड यानी कि जो लोकल में वाला। हाँ, जो छोटा छोटा रहता है। हाँ, वही लेके हम बढ़ाते हैं। तो वो कितना ग्राम का रहता है? वो हम 70 ग्राम के ऊपर का ही लेते हैं, 70 ग्राम के ऊपर का लेते हैं। हाँ, उसमें रेडी ज्यादातर अपने इंडिया में मिलता है, रेडी मिलता है और ग्रीन मिलता है। वो आपने बोला कि हमारे इंडिया में कौन सी हैचरी है? RGCA चेन्नई। वो एक ही जगह पे, वहाँ से हमें सीड मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, 2-2 साल का वेटिंग है। और वहाँ का पानी अलग, यहाँ का पानी अलग, उसमें मॉर्टेलिटी रहता है, वो खाली बटन साइज का रहता है। अच्छा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें भी चैलेंजेस है। लेकिन हैचरी हर जगह रहेगा तो वो अवॉइड हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए क्रैब फार्मिंग की साइकिल कितनी होती है? जैसे एक मछली होती है, हम पालते हैं, 6 महीने में बड़ी होती है, बेच देते हैं, इसकी कैसी होती है? इसका वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर। अभी हमने वो मोल्टिंग देखा तो वो इमीडिएट लेते हैं हम। अगर 100 ग्राम से 150 ग्राम तक सॉफ्ट शेल वाला, तो वो सॉफ्ट शेल निकल के इमीडिएट फ्रिज में रखने का और फ्रोजन कंडीशन में उसको बेच देने का। हाँ, तो वो पूरा का पूरा खा सकते हैं। उसका देखो 1000 रुपीज से 2000-3000 तक अलग किलो बिकता है। यानी कि 70 ग्राम का हमने लिया, 150 ग्राम तक वो जब अपना ऊपर का कवच छोड़ देगा। हाँ, और जब वो सॉफ्ट रहेगा तो उसको सॉफ्ट शेल बोलते हैं, वो मार्केट में बेचते हैं। हाँ, फ्रोजन कंडीशन में। और वो पूरा का पूरा खा सकते हैं क्योंकि उसका टॉयलेट का जगह भी पानी रहता है, क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं है। सॉफ्ट शेल का एक बिजनेस हो गया। बाद में उसके बाद में वो साइकिल हो गई हमारी 15 से 20 दिन में बेच सकते हैं, 40 दिन, मैक्सिमम 40 दिन। अच्छा, मैक्सिमम 40 दिन में हम सॉफ्ट शेल बेच सकते हैं, मतलब 40 दिन की एक साइकिल होती है सॉफ्ट शेल की। हाँ, और उसके बाद जो हार्ड वाला है उसकी साइकिल कैसी रहती है? वाइल्ड में से वाटर क्रैब लेने का, जब नरम रहता है ना, सॉफ्ट रहता है, तो वो टाइम उसका वैल्यू कम रहता है, 600 रुपये रहता है, 600-700। अच्छा, तो वो 600-700 रुपये का वही क्रैब 800 ग्राम का ऊपर का लाने का, बॉक्स में रखने का और उसको 30-40 दिन खाना देने का। खाना देने के बाद वो फुल मीट होता है। फुल मीट बोला तो वो कड़क रहता है, लेकिन कड़क बोला तो अंदर में ऐसा होना चाहिए, ये अंदर में बन जाना चाहिए। अच्छा, ये सिस्टम रहता है इसका। हाँ, तो उसको फैटनिंग बिजनेस बोलते हैं। अच्छा, और दूसरा एक तीसरा बिजनेस इन्वेंटरी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉक्स है तो जब गणपति का सीजन रहता है, नवरात्रि का सीजन रहता है, श्रावण महीना रहता है और कंटिन्यूस उपास का दिन आता है, तो इसका वैल्यू कम रहता है, मार्केट में बिकता नहीं है, बिकते नहीं। लेकिन क्या है, उसको रखने के लिए जगह नहीं रहता, तो वो 2 दिन ही रख सकते। तो वो कंडीशन में हम कम प्राइस में लाने का, उसको बॉक्स में रखने का, आपके पास बॉक्स है और बाद में प्राइस बढ़ता है तो इमीडिएट निकलने का, तो ये 8-10 दिन में भी बस बेच सकते हैं। 4 प्रकार से कर सकते हैं आप इसमें सिस्टम। और ये पॉन्ड ज्यादा गहरा नहीं है ना? नहीं, ये क्योंकि बॉक्स का हैंडलिंग करने का, आपको ज्यादा गहरा ही नहीं रख सकते। तो मतलब डेली का खाना पीना उसको क्या देना पड़ता है? उसको इसके पोर्ट से हम डायरेक्ट फिश होलसेल में लाते हैं, बांगड़ा और पटूना फिश, वो छोटे छोटे पीस में कट करते हैं और उसको ऊपर से बॉक्स का होल रहता है, उसमें से डालते हैं, बॉक्स के होल में से। इतना ही गहरा है और इतना बॉक्स इजीली निकाल के ला सकते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग करना इजी है। हाँ, फिश क्रैब को बाहर लाना। ये देखिए दोस्तों, एक आपके लिए लाया, थोड़ा सा ढक्कन खोल दीजिए भैया इसका। बढ़िया, आपने कहाँ से सीखा ये सब? ये हमने ट्रेनिंग लिया है, अलग अलग जगह ट्रेनिंग मिलता है। RGCA में मिलता है, सीबा में मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट फिशरीज कॉलेज रहता है, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का ये फिशरीज कॉलेज रत्नागिरी में है। हाँ। वहाँ से हमने ट्रेनिंग लिया है। अच्छा, ट्रेनिंग लेना जरूरी है इसमें? हाँ, ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो अभी ये मतलब सॉफ्ट शेल नहीं है, हार्ड शेल है। हार्ड शेल मतलब अभी इसने खुद की बॉडी नहीं छोड़ी है। तो इस बक्से में यहाँ पे ये अभी कितने दिन तक रहेगा? ये मैक्सिमम 45 डेज रहता है। अच्छा। कभी कभी उसके पहले ही आता है, 20 डेज में भी आता है। तो हमें रोज चेक करना पड़ेगा इसने बॉडी कब? हाँ, दिन में 3 बार चेक करना पड़ता है। अच्छा, अंदर जाएंगे बॉक्स में सारे चेक करता रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे डेली 1-2 लोग चाहिए। हाँ, अगर हमें यही क्रैब अगर 1 किलो 2 किलो करना है तो वो कैसे करेंगे? उसमें बड़ा बॉक्स लगता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, 200 ग्राम का क्रैब लेके, ग्रीन क्रैब चाहिए, वो बॉक्स में बड़ा करने का। वो 1.5 किलो से 2 किलो तक 1 साल में होता है। उसको टाइम लगता है, लेकिन हम किसी को रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि क्या है, क्लाइमेट कंडीशन हमेशा चेंज होते रहते हैं और वो मोल्टिंग में भी कभी कभी अटकता है। तो लेकिन क्या नॉर्मली आदमी क्या सोचता है, 1 किलो का हो गया तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो सोचता है नहीं, इसमें से 1700 ग्राम आएगा। 1700 ग्राम भी आया तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो बोलेगा नहीं, मैं 2.5 किलो का निकल रहा। बाद में क्या है, वो मॉर्टेलिटी होती है, वो रिस्क है। इसीलिए हम ग्रो आउट कल्चर इसमें रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत है उसमें। और आपका टोटल फार्म कितना है यहाँ पे? ये टोटल 2 एकड़ का है। हाँ। इसमें से इधर हम क्रैप फार्मिंग प्लस सीबास फार्मिंग दोनों कंबाइन कर रहे हैं। हाँ, सी भी मतलब मछली भी है इसके नीचे? मछली भी है। और इधर वाले पॉन्ड में? इधर वाले पॉन्ड में खाली मछली है। सबसे महत्वपूर्ण एक मेरा सवाल है आपको वैभव जी की, यहाँ पे डेली का रूटीन, डेली का काम क्या क्या होता है इसमें? फीड एक टाइम देते हैं, वो मछली का फीड जैसे पोर्ट से लाते हैं आपने बोला, पोर्ट से लाने का। और क्या डालते कि बस वही है और कुछ नहीं डालते? नहीं। अच्छा। और सॉफ्ट शेल का बॉक्स, इंडिविजुअल बॉक्स चेक करने का, क्लीनिंग करने का, ज्यादा गंदा हुआ है तो मोल्ट चेक करने का, मोल्ट निकालने का। मोल्ट हम इधर रखते हैं, ये मोल्ट हम बाद में जो हमारे नारियल के पेड़ है उनको डालते हैं हम। अच्छा, ये मोल्ट यानी कि केकड़े ने जो ऊपर का छोड़ा है। सिंपल है, काफी कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ये बताइए कि और इसमें कुछ ज्यादा तामझाम वाला मैनेजमेंट है क्या? हाँ, उसका पीएच चेक करना पड़ता है, सैलिनिटी चेक करना पड़ता है। अच्छा, ये पानी भी मेंटेन रहना चाहिए? पैरामीटर भी मेंटेन रहता है, पानी का थोड़ा पानी मेकअप करना चाहिए। अगर कम हो गया तो उधर से पानी मेंटेन, अगर पानी खराब हो गया तो थोड़ा एक्सचेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हो गया, आपके पास जमीन, आपने बॉक्सेस इसमें डाल दिए, लेकिन मान लीजिए कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबके पास खारा पानी है। हाँ। तो उसके पास जमीन नहीं है, तो क्या घर में आपने वर्टिकल बनाया, तो वर्टिकल वो सब कर सकते हैं? वर्टिकल्स कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में पैरामीटर्स बहुत, क्योंकि वहाँ लिमिटेड पानी रहता है। तो आपने घर पे किया है ना? घर पे किया, सीधा वहाँ चलते हैं। हमने फील्ड पे देखा कि किस तरीके से वैभव जी क्रैब फार्मिंग करे, लेकिन उससे भी अनोखी चीज ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वर्टिकल में क्रैब फार्मिंग होती है। छोटे छोटे डब्बे हैं और इस डब्बे में क्रैब फार्मिंग होता है, तो ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज है। तो अब वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो वैभव जी, ये कंसेप्ट क्या है? ये वर्टिकल में आरएस सिस्टम, आरएस बोला तो रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम। अच्छा। तो इसमें क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है, बैक्टीरिया फ्री वाटर रहता है, उसकी वजह से ये हेल्दी रहते हैं। जब आप खारा पानी खाड़ी से उठाते हैं तो वो गंदा होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए हमने खुद फिल्टर डिजाइन किया है। वाइल्ड में पानी जो लाते हैं हम खाड़ी से, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, तो बैक्टीरिया किल करने के लिए हमने खुद का एक यूवी डिजाइन, ये रॉ पानी यहाँ पे आता है, तो यूवी प्लस सम फिल्टर है, एकदम कम खर्चे वाला ये बनाया है हमने। यहाँ से पानी, रॉ पानी इसमें डालते हैं, यहाँ से पानी फिल्टर होके यहाँ से सीधा पाइप से उसमें सिस्टम में मेकअप होता है। अच्छा, ये मेन वाले में चला जाता है? हाँ, मेन सिस्टम में ऐड होता है। तो ये पानी जो उठा रहे हैं, ये कितने दिन बाद खराब हो जाता है, बदलना कब पड़ता है पानी को? पानी हर 15 दिन में हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से ड्रेन करते हैं यहाँ से, और नया पानी इसमें डालते हैं, और हर 6 महीने में पानी बदलना पड़ता है। मीन्स बायो फिल्टर वाला रख के बाकी सब पानी चेंज करते हैं। इसमें भी हम 70 ग्राम का 100 ग्राम का क्रैब डाल सकते हैं? नहीं, इसमें 200 ग्राम का, और सॉफ्टशेल भी कर सकते हैं इसमें, सॉफ्टशेल के लिए ठीक है। हाँ, 70 ग्राम का डाल सकते हैं, और 150-200 के आसपास सॉफ्टशेल हो जाएगा, बेच देंगे। तो अभी खाना भी देखो, नॉर्मली क्रैब फार्मिंग में सब बोलते हैं वेस्टेज, तो वेस्टेज डालने का नहीं कभी भी, अच्छा ही खाना डालने का, क्योंकि आपका पानी खराब हो गया तो पूरा कल्चर डैमेज हो सकता है। कभी भी कल्चर करने के लिए पानी अच्छा होना चाहिए, तो वेस्टेज नहीं डालने का, अच्छा क्वालिटी। तो ये आपने मछली कौन सी है? ये टूना है, टूपा बोलते हैं, और बांगड़ा। हाँ, ये डायरेक्ट पोर्ट से हम लाते हैं, इसका छोटा छोटा पीस करके हम ये होल से डालते हैं। तो ये सिस्टम कैसा, इधर से दिखाइए। यहाँ पंप रहता है। हाँ। यहाँ से पानी जाता है, एक पंप खराब हो गया तो दूसरा पंप चाहिए, तो 24 आवर्स सिस्टम रनिंग। लाइट चाहिए इसके लिए हमेशा? हाँ, लाइट गई तो जनरेटर चाहिए। तो ये 2 पंप है, दोनों में से एक चालू है, यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से ऊपर वहाँ से इंडिविजुअल आता है, ये बॉक्स में इंडिविजुअल बॉक्स में जाता है पानी। सर्कुलेशन पानी होता रहता है। पानी। और ये बॉक्स यहाँ पे कितने टोटल? ये 90 बॉक्स है। हमारे जगह के हिसाब से हमने डिजाइन किया है। केवल इसमें 90 क्रैब्स ही रख सकते हैं, फिर 90 क्रैब ही रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रैब इसमें है अभी, ये देखिए कितना बड़ा अभी हो चुका है। इसको बांध के रखा है अभी, क्योंकि ये मार्केट में बेचने लायक हो गया है। तो ये जब डाला था इसकी साइज क्या होगी? ये हमने 200 ग्राम का। और ये अभी कितना दिन हुआ होगा इसको? लगभग अंदाजन लगभग 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में 200 ग्राम से 1 किलो के आसपास हो जाता है। 6 महीने में 800 ग्राम क्रॉस कर दो। 800 ग्राम। तो अभी 800 ग्राम कैसे किलो बिकेगा ये वाला? 1200 से 1800। 1200 से 1800 किलो के हिसाब से। हाँ। तो ये ग्रीन है। ग्रीन है। रेड कौन सा है यहाँ? ये रेड है। अच्छा, ये रेड है। रेड रेड दिखाई देता है सीधा कलर पे। हाँ, इसका क्लॉ में डिफरेंस रहता है इधर। अच्छा, ये क्लॉ में भी डिफरेंस है। इसका जो नांगी है, जो आगे से काटता है, उसको क्लॉ बोलते हैं। ये ज्यादा बढ़ता नहीं। कितना रहता है ये मैक्सिमम रेड वाला? रेड वाला एवरेज 300 ग्राम रहता है और 500 ग्राम रेयरली जाता है। ये इसमें अंदर ही रहेगा। और ये पानी सर्कुलेशन नीचे गिर रहा है यहाँ पे पानी। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी गिर रहा है और ओवरफ्लो होता है तो पीछे से वो नीचे जाता है। हाँ, वो यहाँ से आता है। यहाँ नॉर्मल फिल्टर लगा है, ये अपना सिंपल फिल्टर जुगाड़ू टेक्निक है। अच्छा, गंदा है वो गंदा नहीं जाएगा। हाँ, साफ रहेगा। प्लस इसमें स्पंज फिल्टर रहता है। इसमें आपने अपने पर्सनल कुछ ऐड किया है क्या इस पानी में? हाँ, तो पानी में कुछ नहीं है, हम कुछ केमिकल नहीं डालते, खाली पीएच कंट्रोल के लिए हम ये एग्रीकल्चर लाइम डालते हैं, और कुछ नहीं। कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बताइए, 90 यहाँ पे रैक्स है, यहाँ पे इसको कितना इन्वेस्टमेंट होगा अगर कोई बंदा करना चाहता है जो देख रहा है? ये 2 लाख के करीब टोटल जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कम प्राइस में भी होता है। हाँ। लेकिन इसमें शॉर्टकट मार दिया तो उसका डिसएडवांटेज है। और मान लीजिए 90 यहाँ पे चीज़ है, तो इसमें हम कितना मुनाफा ले सकते हैं? अंदाजन एक महीने का कितना हो सकता है? महीने का एक 20,000 निकल सकते हैं। 20,000 निकल सकते हैं 2 लाख लगा के। मतलब यहाँ पे हम बेच सकते हैं, फिर छोटा ला सकते हैं, भी बेच सकते हैं, ऐसा चालू रहेगा। हाँ, वो डिपेंड्स मींस कौन सा बिजनेस करते हैं उसके ऊपर अलग अलग है। सॉफ्ट शेल का करते हैं या फैटनिंग का करते हैं, और आपका मार्केट कंडीशन कैसा है। साइकिल ज्यादा होना चाहिए। हाँ, खेत में हम पॉन्ड में वो जो डब्बा में रखा था उसमें कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट है? यहाँ 2 लाख में 100 लगाते हैं, तो वही 2 लाख में वहाँ 500 से 600 बॉक्स लगता है। वो बढ़िया है पॉन्ड वाला। हाँ, लेकिन सबके पास पॉन्ड नहीं होता ना। हाँ, सबके पास पॉन्ड भी नहीं रहता, और उसमें इसमें क्लाइमेट थोड़ा पर कंट्रोल रहता है। उसमें क्लाइमेट कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत आता है। हाँ। और दूसरा चीज क्या है, ये पानी लिमिटेड रहता है, तो इसमें खाली NaCl नहीं रहता, बाकी मिनरल्स भी रहता है। तो मिनरल्स कितना डालने का इसमें अभी तक रिसर्च होना बाकी है। टेक्नोलॉजी अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें और रिसर्च का जरूरत है। आप खुद भी रिसर्च कर रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, हमने रिसर्च करके यूवी भी इसमें ऐड किया है खुद का, पाइपिंग भी थोड़ा मॉडिफाइड किया है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो ये कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। उसको खुद को सीखने में 6 महीना जाएगा सिस्टम डालने के बाद भी। अच्छा, मतलब वो कम से कम 1-2 बॉक्स से सीखें। हाँ, मैं वही बोलता है सबको, कम इन्वेस्टमेंट करो, 4-5 बॉक्स लगाओ, छोटा सा सिस्टम बनाओ, उसमें एक्सपीरियंस ले लो, बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। क्रैब फार्मिंग लोग खाने में क्यों पसंद करते हैं? क्रैब प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, इसमें फैट 0 है, शुगर 0 है, फाइबर 0 है, तो ये हेल्दी है चिकन मटन से। और ये एग्जॉटिक फूड डिश में ये जाता है, स्पेशली सिंगापुर में बहुत फेमस है। अच्छा, हाँ, तो एक्सपोर्ट का इसको बहुत चांस है। या तो एक्सपोर्टर भी कम है अभी के कंडीशन में। अपना श्रिम्प का एक्सपोर्ट 55,000 करोड़ होता है, उसके आगे क्रैब का बहुत कम है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन तक अवेयरनेस नहीं है, सीड नहीं है। अच्छा, सीड नहीं है मेन। हाँ, तो ये आपके फ्रीज में डीप फ्रीज के फ्रोजन करके रखा है ये। हाँ, ये सॉफ्ट शेल है। ये देखिए दोस्तों, ये है क्रैब। अभी हम आपको इनका डब्बा भी दिखाते हैं कैसे ये पैक करके पूरा इसको भेजते हैं। ये देखिए, मतलब कि इसने कवर छोड़ा, केकड़े ने तुरंत इसको लाया और फ्रीजर में रख दिया, और ये मार्केट में जाएगा। ये आपका ये देखिए खुद का एसके क्रैब एक्वाकल्चर, ये देखिए, और 750 रुपये पर 500 ग्राम। ये फ्रीज में कितने दिन तक रहेगा? 21 डेज। 21 दिन रख सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम? ये रेड है ना? हाँ, रेड। ये सॉफ्ट शेल, रेड कलर देखिए, ये सॉफ्ट शेल है। हाँ। ये सॉफ्ट शेल का दोस्तों बिजनेस अलग होता है। तो ये क्या करते हैं हम, जब वहाँ से बॉक्स में से निकलते हैं तो उसमें ये मीठे पानी में धोते हैं, उसके बाद में थोड़ा पीएच डाउन करके फूड ग्रेड विनेगर के पानी में धोते हैं, बाद में ओजोनाइसिन टेक्नोलॉजी में इसके बैक्टीरिया किल करते हैं, बाद में ये पाउच में पैक करते हैं, बाद में ये बॉक्स में पैक करते हैं, बाद में ये मार्केट रेडी हो गया। तो दोस्तों कैसे लगा आपको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। तो हमने देखा कि क्रैब फार्मिंग दोस्तों की खेत से कैसे हो रहा है, ये वर्टिकल कैसे हो रहा है, तो इसके बहुत बहुत अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। क्या आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम सीरीज़ बनाएं, तो सर के साथ हम एक सीरीज़ भी प्लान कर सकते हैं कि स्टार्ट टू एंड कैसे क्या करते हैं। कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा और ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसे लगा बताइए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हमने अलीबाग आके स्पेशल आपके लिए ये क्रैब फार्मिंग का वीडियो बनाने की कोशिश की है। कम से कम 10,000 इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ढेर सारा कीजिएगा और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।